तो थ्योरी ऑफ डिमांड हमारी सेकंड यूनिट है, सॉरी थर्ड यूनिट है। उसमें हम देखने वाले हैं डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड। मीनिंग ऑफ डिमांड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, डिमांड मीन्स अ डिजायर, डिजायर मीन अ यूज टू हैव समथिंग, मतलब कुछ भी खरीदने की सिर्फ इच्छा हो तो उसको हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिमांड बोलते हैं। बट इन इकोनॉमिक डिमांड मीन अ डिजायर विच बैकअप विद बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। तो इन इकोनॉमिकली डिमांड क्या है, सिर्फ इच्छा होना काफ़ी नहीं है, उसके साथ उसे खरीदने की शक्ति भी होनी चाहिए और एबिलिटी टू पे भी होनी चाहिए। अगर एक पर्सन है, उसकी डिज़ायर है कि टेलीविजन सेट उसको परचेस करना है, पर उसके पास अगर परचेसिंग पावर नहीं है तो वो हम उसे डिमांड नहीं कह सकते। तो अभी हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स का मतलब फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ये वो चीज़ें हैं जो डिमांड पे असर डालती हैं। तो हम पहले देखते हैं, उसका एक शॉर्ट कोड मैंने बनाया है जो आपको ध्यान में रखने के लिए आसान हो जाएगा, पेंस इट लॉट। तो ये 11 टॉपिक्स का पूरे 11 पॉइंट्स इसमें, इस टॉपिक में हमें डिस्कस करने हैं, और ये ज़्यादातर ध्यान में रखने के लिए आसानी हो इसलिए मैंने इसका शॉर्ट कोड बनाया है, पिंस इट लॉट। तो अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसमें 11 पॉइंट है और उसका शॉर्ट कोड बनाया है पिंस इट लॉट। तो पी फॉर प्राइस। प्राइस एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जो डिमांड को इफेक्ट करता है। प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे। तो प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस एक ऐसा पहलू है डिमांड पर ज़्यादा असर उसका पड़ता है। अगर एक आम टेंडेंसी को देखें कि कंज्यूमर अगर जाए कुछ खरीदने तो बैक ऑफ द माइंड उसके पहले क्या आती है माइंड में चीज़ की कमोडिटी के दाम क्या है, कितने रुपीज की है ये प्रोडक्ट, तो ये कितने में मिलेगा, ये हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो प्राइस क्या है हम पहले ज़रूर पूछते हैं और फिर उसको परचेस करते हैं। तो रुपीस या प्राइस डिमांड को तय करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। तो कॉम्पिटिटिव डिमांड में ये पढ़ा गया है कि सब्स्टिट्यूट जो एक दूसरे के कम्पीट करते हैं, ये सब्स्टिट्यूट जो है अगर उनके प्राइस में कुछ डिफरेंस आता है तो डिमांड पर उसका असर आता है। इफ़ सब्स्टिट्यूट गुड इज अवेलेबल एट लोअर प्राइस देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड देन कॉस्टली गुड। फॉर एग्जाम्पल द प्राइज ऑफ शुगर राइज, द डिमांड ऑफ जैगरी इज विल राइज। शक्कर और गुड़ दोनों में से मिठास तो सेम है, शक्कर के दाम बढ़ जाएंगे तो गुड़ की डिमांड बढ़ती है। तो इससे ये पता चलता है कि सब्स्टिट्यूट गुड़ की प्राइस डिमांड पर असर ऐसा करती है कि सब्स्टिट्यूशन गुड़ के बारे में ये सेम इफेक्ट देखा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री यानी ज्वाइंट डिमांड, ये जुड़ा टॉपिक होते हैं। यहाँ याद रखिए ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे गुड जिनकी डिमांड जॉइंटली की जाती है, इनमें किसी एक के प्राइस का असर चेंज होता है तो दूसरे की डिमांड पर असर आता है। चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड आल्सो इफेक्ट द डिमांड फॉर द अदर कमोडिटी। फॉर एग्जांपल कार एंड फ्यूल, इफ द प्राइस ऑफ फ्यूल राइज देन डिमांड फॉर कार्स विल फॉल। नेचुरल टेंडेंसी कि अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी तो आम लोग सोचेंगे कि एक या दो बार तो हम ओला से या उबर से चले जाते हैं, कार खरीदने के साथ में फ्यूल भी
महंगा हुआ है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड, एक की प्राइस तो दूसरे की डिमांड, उतार चढ़ाव असर होता है। देन नेक्स्ट है इनकम। आपने सुना ही होगा कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, कि अगर हमारी आमदनी कम है तो हम ज़्यादा डिमांड करने से ज़रूर हिचकिचाएंगे। इनकम ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा कर सकते हैं, और यही है इस पॉइंट की खासियत। पॉइंट इज प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइडेड परचेसिंग पावर विच इन टर्न इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। मतलब अगर आपकी परचेसिंग पावर ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली आप चीज़ों की डिमांड करने से हिचकिचाएंगे, नहीं तो आप परचेस करेंगे। अगर आपकी परचेसिंग पावर कमज़ोर है, आप कम खरीदेंगे, पैसे नहीं तो डिमांड नहीं। राइज इन इनकम विल लीड टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड अ फॉल इन इनकम विल लीड टू फॉल इन डिमांड ऑफ कमोडिटी। देन नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट कैसा है, उसकी नेसेसिटी कितनी है, उसकी ज़रूरत कितनी है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि उसकी डिमांड कैसी है। जी हाँ, डिमांड इज अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर ज़रूरत की कोई चीज़ या दवा है तो उनके बिना जीना मुश्किल है, तो दवाई की डिमांड क्या होगी, ज़रूर की जाएगी। इफ़ अ कमोडिटी इज़ अ नेसेसरी एंड इट्स यूज अनअवॉइडेबल, देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ करस्पॉन्डिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन और कंट्रोल ब्लड प्रेशर। दाम कुछ भी हो, अगर हम अनअवॉइडेबल सिचुएशन का सर्कमस्टांसेस को फेस कर रहे हो तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट नेसेसिटी बन जा गया हो तो उसे ज़रूर डिमांड किया जाएगा। देन साइज ऑफ पॉपुलेशन। इसका पहले हम एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक बंदा है गोलू सिंह, एक थाली में खाना खाता है, उसकी डिमांड कैसी है, एक थाली भर खाने उसको मिल जाए बस काफ़ी। लेकिन जब भोलू की शादी होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, तो दो थालियाँ और उसके साथ और भी बहुत कुछ मंगाना पड़ता है, और जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा और भी डिमांड बढ़ेगी। लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, एंड स्मॉलर द साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉलर विल द डिटरमाइंड फॉर अ कमोडिटी। तो पॉपुलेशन कम, डिमांड कम, पॉपुलेशन ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर, जब भी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर यह सोचता है कि भाई फ्यूचर में प्राइस ऐसा हो जाएगा या कम या ज़्यादा हो जाएगा, तो वो अभी डिमांड तो वो क्या करेगी, अभी के डिमांड में इफेक्ट करेगी। जब हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी फैक्टर्स ऑफ डिमांड, हमारी एक्सपेक्टेशन या फ्यूचर प्राइस की हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो भी डिमांड पर बहुत असर डालती है। सपोज करें कि हमें पता चलता है कि सोने की प्राइस अभी थोड़े दिनों में बढ़ने वाली है, तो पब्लिक सोने में अभी पैसा इन्वेस्ट करेगी और अभी उसकी डिमांड करेगी, चाहे सोने की प्राइस अभी ज़्यादा हो तब भी। यही टेंडेंसी जो फैक्टर ऑफ प्राइस की है वो डिमांड बढ़ा देती है। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर, ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। सिमिलरली, इफ ही एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज इन फ्यूचर, ही विल बाय मोर द परसेंट प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। एडवर्टीजमेंट। जनरली ये देखा गया है कि एडवर्टीजमेंट में हमारे दिल और डिमांड दोनों पर असर डालती है।
कई बार एक अच्छे एडवर्टीजमेंट देखकर हम उस प्रोडक्ट की डिमांड करने लगते हैं। कई ऐसे स्कीम, डिस्काउंट्स, ऑफर हमें अट्रैक्ट करते हैं और एडवर्टीजमेंट की वजह से डिमांड बढ़ती है। फिर कई बार हम देखते हैं हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी की ऐड कर रहे हैं और उन सेलिब्रिटीज़ की वजह से भी हम डिमांड करने लगते हैं। तो एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन स्कीम एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप टेंड टू चेंज द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर एंड लीड टू डिमांड फॉर मेनी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स, टूथब्रश एट्सेट्रा। टेस्ट हैबिट्स एंड फैशंस। हमारी टेस्ट है या हमारा कोई चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है तो हम उसे डिमांड करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी आदत बन गई है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट या फिर किसी एक पर्टिकुलर तरीके का परफ्यूम, तो वो क्या है, हमारी हैबिचुअल चीज़ें हैं। तो हमारा हमारी फैशन का या फिर हमारी टेस्ट का या फिर हमारी आदतों का सीधा असर डिमांड पर आता है। तो अमिताभ बच्चन जी के टाइम पर बेल बॉटम वाली पैंट्स पहनते थे, फैशन चेंज हो गया, अब नैरो पैंट्स पहनते हैं, तो इस हिसाब से डिमांड में चेंज होता है। लेवल ऑफ तो लॉ ऑफ डिमांड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स कैसे हैं, जो हमने डिटर्मिनेंट्स अभी देखे डिमांड के, उनको ही कांस्टेंट बताया गया है, ऐसा अज्यूम करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल राइज। प्राइस अगर किसी भी कमोडिटी की कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्लाइन। अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्लाइन। दस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, और यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। बस इसमें मेन चीज़ ये है कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड का बेस है। तो इस स्लाइड में आपको लॉ ऑफ डिमांड दिखाई देगा, जैसे कि व्हेन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इंक्रीज देन इट्स डिमांड विल फॉल एंड व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीज देन इट्स डिमांड विल इंक्रीज द मार्केट। तो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो डिमांड कर्व क्या है, एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। वी कैन कन्वर्ट द डिमांड शेड्यूल इनटू अ डिमांड कर्व बाय प्लॉटिंग द वेरियस प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन ग्राफिकली। तो डिमांड शेड्यूल को ही हम डिमांड कर्व में कन्वर्ट करते हैं बाय प्लॉटिंग वेरियस प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिकली। द पर्टिकुलर
द पिक्चराइजेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व. इट इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एज वेरियस अल्टरनेटिव प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. एक निश्चित समय के दौरान ये कर्व क्या शो करेगा, एक समय के दौरान किसी भी कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड वेरियस अल्टरनेटिव प्राइस को शो करेगा. लाइक डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के दो पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. एक है इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दूसरा है मार्केट डिमांड कर्व. तो ये जो शेड्यूल आपको दिख रहा है ये डिमांड शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर का आपको दिख रहा है. यहाँ पे यूनिट्स और प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स दी गई है. तो यहाँ क्या दिख रहा है, जब प्राइस 5 रुपीज है तो डिमांड कितनी है, 10 यूनिट्स की है. और प्राइस हो कम होके 5 से 4 पे आई तो डिमांड हमारा बढ़ के 15 यूनिट्स हो गया. और यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है कि प्राइस और कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड में यहाँ इनवर्स रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है. तो अभी हम इसी शेड्यूल से ग्राफ बनाएंगे. ये हमने इंडिविजुअल का शेड्यूल देखा और उसके अकॉर्डिंग कर्व देखा. अब हम मार्केट डिमांड कर्व देखते हैं. इट इज अ कर्व दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड विच ऑल द कंज्यूमर्स आर इन द मार्केट आर विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड. तो जो हमने इंडिविजुअल का शेड्यूल देखा ऐसे ही मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं और एक ही या दो गुड्स नहीं है, बहुत सारे गुड्स है. तो अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग कंज्यूमर की जो डिफरेंट प्राइस और डिफरेंट प्राइस के ऊपर कितने गुड्स का क्वांटिटी डिमांडेड करेंगे उनका एग्रीगेट कंजम्पशन कंज्यूमर्स का, उसको हम क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड कर्व कहेंगे. द मार्केट डिमांड कर्व कैन बी ड्रॉन बाय एग्रीगेटिंग ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ ऑल द हाउस होल्ड. तो सब की इंडिविजुअल्स कर्व डिमांड कर्व को अगर हम एग्रीगेट करेंगे तो हमें मार्केट डिमांड कर्व मिलेगा. यहाँ पे देखो प्राइस दी है और क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे दी है और क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी की क्वांटिटी डिमांडेड इतने रुपीस प्राइस होने पर 119, 1870 प्राइस होने पर ए और बी किस तरीके से क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं ये यहाँ पे दिया है. तो हमें क्या निकालना है, हमें इंडिविजुअल्स की डिमांड नहीं देखनी, अभी हमें क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड देखनी है. तो ए और बी हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिए है कि ए और बी की टोटल अगर हम करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड तो हमें मार्केट की डिमांड पता चलेगी. तो यहाँ पे देखो 100 रुपीज प्राइस पे ए की क्वांटिटी डिमांड 1 यूनिट की है और बी की क्वांटिटी डिमांड 2 की है. तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी हुई, 3 हुई. ऐसे ही 90 पे 2 और 3 मिला के 5 हो गई. ऐसे ही पूरे मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स है उनकी क्वांटिटी डिमांडेड अगर हम एग्रीगेट करेंगे तो हमें टोटल मार्केट डिमांड मिलेगी. कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा ये आपको कर्व देखने के बाद. तो ए का क्वांटिटी डिमांडेड कर्व यहाँ पे बनाया है. देखो 100 पे कितने यूनिट्स, 1 यूनिट. 80 पे कितने यूनिट, 4 यूनिट. और बी के
100 पे 2 यूनिट्स क्वांटिटी डिमांडेड और 80 पे 5 यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड्स की डिमांड करते हैं, तो ए और बी का टोटल डिमांड कर्व यहाँ पे दिया है। देखो 100 पे दोनों मिला के कितनी क्वांटिटी डिमांड करते हैं, 3, और उन प्लॉटिंग को अगर हम जोड़ दें तो हमें डीडीएम मतलब मार्केट डिमांड कर्व मिल जाएगा। तो क्लियर है मार्केट डिमांड कर्व। एक्सेप्शंस ऑफ द डिमांड, एक्सेप्शंस मीन्स व्हाट, कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो इसमें फर्स्ट कॉन्स्पिशियस गुड, मतलब ये ऐसे आर्टिकल्स या गुड होते हैं जिनके साथ प्रेस्टिज वैल्यू जुड़ी होती है। फॉर एग्जांपल डिमांड, डायमंड की प्राइस बढ़ने के बावजूद भी रिच लोग उसकी मांग करते हैं, तो किसी भी कॉन्स्पिशियस गुड की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ती है। कॉन्स्पिशियस गुड पे डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स हम किसे कहते हैं, लो क्वालिटी गुड्स को हम गिफन गुड्स कहते हैं। तो गिफन गुड्स के बारे में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। सर रॉबर्ट गिफन, उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन बताया है जो है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स मतलब लो क्वालिटी गुड के साथ ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, मतलब उसकी कीमत कम हो जाए तो, उनकी कीमत कम हो जाए तो डिमांड बढ़नी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि परचेसिंग पावर बढ़ जाने से लोग क्या करते हैं, लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड नहीं करके अच्छे क्वालिटी की गुड की डिमांड करते हैं। तो उन्होंने देखा अपने वर्कर के बारे में कि ब्रेड की कीमत कम होने पर वो उनकी डिमांड बढ़ाने के वजह कम करते थे और उसकी जगह मीट की डिमांड करते थे। यहाँ हम क्या देखते हैं, नीचे दर्जे की गुड्स की जगह वो हाई क्वालिटी गुड्स का कंजम्पशन करते थे। तो गिफन गुड्स के बारे में सर गिफन्स ने ये ऑब्जर्व किया और ये लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन उन्होंने बताया। देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, यह एक ऐसी चीज़ है जिनका फ्यूचर प्राइस पता लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फ्लड, अगर फ्लड आ गई है तो कोई भी एक कह सकता है कि आने वाले टाइम में चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल वीट, राइस, अभी उनकी प्राइस ज़्यादा भी रही हो या फिर बढ़ ही रही हो तो भी लोग उसकी डिमांड करेंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आगे चल के उसकी प्राइस फ्लड की वजह से और बढ़ेगी। या फिर इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं गोल्ड, जो अभी थोड़े दिन पहले ही 32 से 40 तक हो गया था प्राइस गोल्ड का, फिर भी लोगों की ये एक्सपेक्टेशन थी कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो उन्होंने प्राइस बढ़ने के बावजूद गोल्ड की खरीदी करना चालू रखा। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट गुड्स के बारे में, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। देन स्पेकुलेटिव गुड्स, स्पेकुलेटिव गुड्स मतलब कोई भी स्टॉक मार्केट या फिर रियल इस्टेट में अगर कोई प्रॉपर्टी अगर कोई लेता है या फिर, तो यहाँ उसकी क्या मोटिव होती है, स्पेकुलेटिव मोटिव्स होती हैं कि आने वाले टाइम में उसकी प्राइस क्या होने वाली है, बढ़ने वाली। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर्स ले रहा है तो उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, फिर भी डिमांड बढ़ रही है ड्यू टू उनको, उनकी प्राइस और बढ़ने की आशा है। तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। देन हैबिचुअल, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी हमें हैबिट होती है, फॉर एग्जांपल परफ्यूम, अगर हमें एक ही परफ्यूम पसंद है
अगर हमें एक ही तरीके का परफ्यूम पसंद है तो उसकी प्राइस बढ़ भी जाए, हम क्या करते हैं, उसी की डिमांड करना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए हैबिचुअल गुड है। तो हैबिचुअल गुड के बाद हैबिचुएटेड गुड के लिए लॉ ऑफ डिमांड एक एक्सेप्शन, लॉ ऑफ इग्नोरेंस में क्या देखते, कभी कभी कंज्यूम क्या करता है, इग्नोर करता है। प्राइस बढ़ा के रिटेलर बेच भी रहा हो फिर भी वो खरीद लेता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। सो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। देन इन केस ऑफ वॉर एंड इमरजेंसी, इन केस ऑफ वॉर अनाउंस होता है तो प्राइस बढ़ती जाएगी, तो भी कंज्यूमर डिमांड करने के बजाय बढ़ाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में वॉर की सिचुएशन और बढ़ेगी और इमरजेंसी में कुछ चीज़ें हमें अवेलेबल होगी या नहीं होगी ये सोच के वॉर के टाइम पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। देन नेसेसरीज की मतलब क्या है, आदमी की बेसिक नेसेसरीज जो क्या है, रोटी कपड़ा मकान, इनकी प्राइस बढ़ेगी तो भी डिमांड कम नहीं कर सकता, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये उनकी क्या है, नेसेसरी है। अब इन सारी चीज़ों के बारे में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो अब हम देखने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा कि कीमत बढ़ने से डिमांड कम होती है या प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है। हमें सिर्फ ये पता था इसीलिए वो क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट था। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमें ये पता चलता है कि कितनी प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड कम हो रही है या फिर कितनी प्राइस कम होने से कितनी डिमांड बढ़ रही है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताएगा कि हाउ मच डिमांड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सो इसीलिए उसको क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट कहते हैं और लॉ ऑफ डिमांड को क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 types होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी का कितना प्राइस बढ़ने पे कितनी डिमांड कम होती है, ओवरऑल इसमें प्राइस के फ्लक्चुएशन से डिमांड पे क्या असर होगा ये पता चलता है और इसको प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। देन इनकम इलास्टिसिटी, एक हाउसहोल्ड इनकम बढ़ने से वो कितनी डिमांड बढ़ा रहा है उसको कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी। और क्रॉस इलास्टिसिटी ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में, ये जो रिलेटिव गुड्स है उनकी प्राइस कैसे डिमांड को इफेक्ट करती है इसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। तो ये तीनों टाइप्स हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी अभी हमने देखा कि प्राइस की कितनी प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड पे असर होगा ये हमें प्राइस इलास्टिसिटी में पता चलता है। और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, चेंज इज क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन प्राइस डिमांडेड, पर सिर्फ चेंज निकालना है क्या, नहीं, उसको किस में निकालना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे, तो नीचे दिया है यहाँ पे, तो अब इसका हम एग्जांपल से इसको हम समझते हैं कि एप्पल है और एप्पल की प्राइस PO ओरिजिनल प्राइस क्या है, 10 kg, प्राइस कितनी है 10 kg, बाद में उसकी प्राइस हो गई ₹15 per kg, बाद में उसकी प्राइस हो गई, पहले प्राइस कितनी है ₹10 kg, बाद में हुई ₹15 kg, और क्वांटिटी डिमांडेड पहली थी। तो प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी, और पॉइंट इलास्टिसिटी निकालने का
अब हम देखेंगे इलास्टिसिटी बाय डिमांड कर्व। कर्व की हेल्प से हम इलास्टिसिटी को कैसे पता कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो अब हम इलास्टिसिटी के कुछ डिमांड कर्व देखेंगे और उसके हमें हेल्प से हमें पता चलेगा कि इलास्टिसिटी कितनी है। तो फर्स्ट जो यहाँ पे डिमांड कर्व दिया है ये क्या होगा, ये क्या है, वर्टिकल है, तो हमें इजीली पता लग सकता है कि इलास्टिसिटी ज़ीरो है। क्यों? तो थर्ड डायग्राम में देखो, परफेक्टली इलास्टिक, इस डायग्राफ में परफेक्टली इलास्टिक है क्योंकि इसमें प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड चेंज हो रही है पर प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। तो हम आगे देखेंगे कि इलास्टिसिटी निकालने की एक और मेथड आर्च मेथड, प्राइस इलास्टिसिटी निकालने की मेथड है आर्च मेथड। उसका फॉर्मूला दिया है ईपी इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू डिवाइडेड बाय क्यू वन प्लस क्यू टू इंटू पी वन प्लस पी टू डिवाइडेड बाय पी वन माइनस पी टू। यहाँ पे पी वन एंड क्यू वन क्या है, ओरिजिनल प्राइस है और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है, और P2 और Q2 क्या है, न्यू चेंज होके जो आएगी वो है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि प्राइस 500 है और बाद में कितनी हो गई है, 400 हो गई है। प्राइस पहले कितनी है मानी जाती है। अभी हम देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी। लास्ट मेथड में हमने पढ़ा कि प्राइस इलास्टिसिटी हमने प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज होता था, पर यहाँ इनकम इलास्टिसिटी में हाउस होल्ड इनकम की वजह से डिमांड में कैसा चेंज आता है ये देखेंगे। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि इनकम जितनी ज़्यादा उतनी डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड और इनकम में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो जितनी परसेंट डिमांड बढ़ रही है और जितनी परसेंट इनकम बढ़ रही है, इन दोनों के फ्रैक्शन से ही हमें इनकम इलास्टिसिटी मिलेगी। तो इसका हम अब एग्जांपल देखते हैं कि ए एक पर्सन है, एक उसके बाद है इलास्टिसिटी का तीसरा टाइप क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी में डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू रिलेशन रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज में हमें डिमांड थ्योरी में पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूट गुड एंड कंपैरेटिव गुड की प्राइस चेंज होने से क्या असर पड़ता है, इसको हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। तो उसका फॉर्मूला नीचे दिया है कि क्यू एक्स अपॉन पी एक्स इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड गुड एक्स ट्राइंगल क्यू एक्स में जो चेंज आया उसको क्यू एक्स ओरिजिनल डिमांड से क्या करना है, डिवाइड करना है। ट्राइंगल क्यू एक्स मतलब क्वांटिटी डिमांडेड गुड एक्स में जो चेंज हुआ, और क्यू एक्स मतलब ओरिजिनल डिमांड, और पी वाई मतलब चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स गुड वाई की, और अपॉन पी वाई मतलब रिलेटेड गुड वाई की ओरिजिनल प्राइस। अगर हम सारी फिगर्स को इसमें रखें तो हम आसानी से इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। इसमें एक्स जो है हमारी कमोडिटी है और वाई जो है रिलेटेड कमोडिटी है जिसकी हमें इलास्टिसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर अगर हम एक उदाहरण लेंगे कि शुगर है, शुगर 12 रुपये से बढ़कर क्या हो गई, शुगर 12 रुपये